नमस्कार, आप देख रहे हैं टैलेंटेड इंडिया न्यूज और मैं हूं आपका साथी विश्वंबर तिवारी। कितना खूबसूरत लगता है जब कोई छोटा 9 साल का बच्चा खिलौने के लिए जिद करता है। कितना प्यारा लगता है वो बच्चा जब वो चॉकलेट के लिए जिद करता है। कितना अच्छा लगता है देखकर छोटे छोटे बच्चों को जब वो छोटी छोटी बातों के लिए जिद करते हैं। बड़े खूबसूरत लगते हैं। लेकिन सोचिए, जब कोई 9 साल का बच्चा जिद कर रहा है मरने की, वो मौत मांग रहा है, ये सुनकर थोड़ा सा दिल दहल जाता है। लेकिन ये एक सच्चाई है। एक बच्चा है जो अपनी माँ से मौत मांग रहा है। वो मौत क्यों मांग रहा है? सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। So I've just picked my son up from school, witnessed a bullying episode, rang the principal, and I want people to know, parents, educators, teachers, this is the effect that bullying has. This is what bullying does. So can you please educate your children, your families, your friends? Because all it takes is for one more instant and you wonder why kids are killing themselves. Give me a right now. I'm going to stab myself in the heart. You watch me. Even you too, Carolyn, I'm looking at you. You don't even do anything. And Mrs. George called me the dumbest kid in the class. I just want to die right now. I just want to bang my head into a glass. I want someone to kill me and drown me. And this is the impact bullying has. And I want people to know how much it is hurting us as a family. I want people to educate their children. The whole anti-bullying shit isn't f***ing working. And I've got a son that is suicidal almost every single day. Every time there's a triggering... तो देखा आपने कैसे एक छोटा सा बच्चा रस्सी मांग रहा है इसलिए कि वो अपने आप को मार सके। इतना ही नहीं, वो अपनी माँ से भी कहता है कि कोई मुझे मार दो। वो ऐसा क्यों कह रहा है? दरअसल ये बच्चा बौनेपन का शिकार है और इस कारण इसके स्कूल में इसका मजाक बनाया जाता है। इसीलिए जब इसकी माँ इसे लेने आती है तो ये रोते रोते अपनी माँ से कह रहा है कि मुझे रस्सी दो, मैं मरना चाहता हूँ। अपनी माँ से भी कहता है कि क्या कोई है जो मुझे मार दे। दरअसल उसकी माँ ने यह बताया कि वो एक डिसेबिलिटी का शिकार है और स्कूल में जब कोई नया बच्चा आता है और उसे किसी तरह की दिक्कत होती है तो इस तरह की एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि बच्चे उसका मजाक ना उड़ाएं, लोग उसको इस तरह से परेशान ना करें कि वो अपने आप में डिप्रेशन में चला जाए। ये जो 9 साल का बच्चा है, महज 9 साल का, ये बच्चा भी उसी डिप्रेशन का शिकार हुआ और यही कारण है कि वो मरने की बात कर रहा है। सोचने में थोड़ा सा घबराहट होने लगती है कि 9 साल का बच्चा जिसने दुनिया नहीं देखी वो मरने की बात कर रहा है, तो सोचिए वो मानसिक रूप से कितना त्रस्त होगा, कितने अवसाद में होगा। ये एक सीख है आपके लिए भी और हमारे लिए भी कि हम इस तरह की अवेयरनेस अपने माहौल में, अपने चारों तरफ, स्कूलों में, हर जगह लाएं कि कहीं किसी की कोई डिसेबिलिटी हो उसका मजाक ना बनाया जाए। ये वीडियो शेयर होने के बाद लाखों लोगों द्वारा देखा जा चुका है, लाखों लोगों ने इसे शेयर किया है, लाखों लोगों ने इस पर कमेंट किए हैं और सबका गला रुंध गया इस बच्चे की पुकार सुनकर, इस बच्चे का रोना सुनकर। कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे रूबरू होंगे, तब तक देखते रहिए टैलेंटेड इंडिया न्यूज। धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।